हेलो दोस्तों वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी आई होप आप सारे के सारे ठीक हो वैसे वीडियो जो है मैं कल डालने वाला था क्योंकि परसों बच्चों का पोल साइंस का क्लास इलेवन का एग्जाम है बट मैं ये वीडियो आज इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि एक्चुअल में वो एग्ज़ाम में क्या गलती करके आ सकते हैं जिसकी वजह से उनके दस पंद्रह मार्क्स कटेंगे ठीक है और वो आप बहुत प्यार से सेव कर सकते हो और वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सेव कर सकते हो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सौ मार्क्स का पेपर करके आते हैं बट सौ तो कभी नहीं आते नाइन्टी नहीं आते एट्टी फाइव आते हैं तो ऐसा क्यों होता है वही मैं आप, आप, आपको बताने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव लाते हो तो बहुत प्यार से उसको एट्टी फाइव तक कैसे ले जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा अलर्ट होके बहुत ध्यान से सुनना ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा पहले तो ये भी बता दूं कि अगर अभी तक आपने पोल साइंस का कुछ भी नहीं कर रखा सामाजिक विज्ञान का कुछ भी नहीं कर रखा तो मैं बोलूंगा सबसे पहले चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो क्योंकि एक्चुअल में है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये बात आपको भी पता होगी ठीक है ज़्यादातर आपको पेपर में ना रिपीट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो हर चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना पांच पांच छः छः सात सात क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको करने ही करने हैं अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के कौन से तो टेंशन मत लो ना यार वीडियो बना रखी है मैंने पोल साइंस के ऑलमोस्ट हर चैप्टर की कुछ चैप्टर रह गए हैं दो चैप्टर रह गए हैं लास्ट वाला जो है वो हमारा एक लोकल गवर्नमेंट ठीक है स्थानीय सरकार और हमारा फेडरलिज्म यानी हमारा Uh, uh, क्या कहते हैं संघवाद ये दो चैप्टर रह गए हैं बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ यानी संविधान की ओर uh, संविधान की ओर कैसे भारतीय संविधान में अधिकार चुनाव प्रतिनिधि या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ बच्चे बोलते थे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो डोंट वरी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन के साथ लेकर आऊँगा कि कोई भी पिक्चर बेस से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे पिक्चर भी दिखाऊंगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे भी बात करेंगे अब ठीक है तो वो भी मैं अपलोड करने वाला हूं ओके, अब आ जाते हैं इस वीडियो पे अच्छा और एक और बात बता दूं ये वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इनके आ, इनकी जो पीडीएफ है वो दे दो देखो बच्चे पीडीएफ का कोई फायदा नहीं होने वाला बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होने वाला अगर मैं आपको संविधान की ओर कैसे या जो जो भी चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया ना उनकी अगर पीडीएफ दे दू ना कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा एग्जाम के अंदर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के आ गया तो ठीक है आपने वो कर तो लिया क्वेश्चन मतलब जो पीडीएफ के अंदर था वो लर्न तो कर लिया बट बाद में जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन देखो एस अब आप इलेवंथ में हो आपको ये बात अच्छे से पता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आती है और बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आती है ना तो उनको समझ नहीं आता क्वेश्चन तो इसलिए वीडियो फॉर्मेट में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है ना आप देखोगे 35 मिनट की वीडियो है 10-15 क्वेश्चन भी नहीं है इसके अंदर तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का क्या मोटिव था कैसे बन गई इतनी लंबी क्योंकि मैं ये बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किस अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है या ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किस अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार ये घुमा के आएगा तो ऐसे आएगा और आंसर भी मैं दिखाता हूं आपको कि ये आंसर लिख कर आना है ठीक है तो इसलिए वो इतनी लंबी वीडियो बनती है बट आप टू करके देख लेना बट स्किप मत करना क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चन मैं अलग अलग बताता हूँ कि क्वेश्चन किस अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है तो वो आप करो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है ठीक है चलो अब आ जाते हैं जी मेन चीज पर कि सर जिसके लिए वीडियो बनाई है वो तो बताओ कि जी हमारे 10-15 मार्क्स सर कौन से कटते हैं कहाँ कटते हैं और उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा का पूरा आंसर लिख कर आते हैं पाँच नंबर का मान लो कोई क्वेश्चन है पूरा आंसर लिख कर आए और बोला कि जी ये पाँच नंबर पक्के हैं जब अपनी आंसर शीट उठा के देखते हैं टीचर चेक कर देती है तो पता चलता है जी तीन नंबर दिए हैं साढ़े तीन नंबर दिए हैं चार नंबर दिए हैं पाँच में से सारे पॉइंट लिखे हैं फिर आपको लगता है यार मेरे को तो पाँच में से साढ़े तीन या चार नंबर दिए हैं और उस वाले बच्चे को तो जी पाँच में से पाँच नंबर दिए हैं वो फेवरेट है टीचर का इसलिए उनको ज़्यादा मार्क्स दिए मेरे को कम दिए उसने भी तो सेम लिखा था बट यहीं पर है ना सबसे बड़ी दुविधा आ जाती है क्योंकि आपका आधा मार्क्स कटता क्यों है एक मार्क्स कटता क्यों है इसमें सबसे बड़ा रोल होता है जी आपका प्रेजेंटेशन का ठीक है जी प्रेजेंटेशन का सर प्रेजेंटेशन सर आधे आधे मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है बच्चे या आधा मार्क्स नहीं है आप सोचो हर पांच नंबर के क्वेश्चन में अगर आप प्रेजेंटेशन की गलती कर रहे हो या तीन नंबर के क्वेश्चन में चार नंबर के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन की गलती कर रहे हो और आपका आधा मार्क्स या एक मार्क्स हर क्वेश्चन पे कट रहा है तो ऐड करके देख लेना एंड में जाके दस पंद्रह मार्क्स आपके फ्री के कटेंगे तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना प्रेजेंटेशन में वो बहुत ही ध्यान से सुननी है आपको और एग्जाम के अंदर वही चीज़ें प्रेजेंटेशन में ध्यान रखनी है ठीक है कि आप अपने दस पंद्रह नंबर बहुत प्यार से बचा सको ठीक है चलो और ये ये फ्री के नंबर है मैं आपको बता दूं अगर आप 70 स्कोर करने वाले बच्चे हो ना तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप बहुत प्यार से 85 परसेंट स्कोर कर सकते हो बिना ज़्यादा कुछ मेहनत करे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन सुधारने सुधार कर ठीक है सबसे पहले तो देखो मैं ये बता देता तो, हूँ पहले तो हम सीधा तीन नंबर पाँच नंबर चार नंबर वाले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें ज़्यादातर मार्क्स कटते हैं ठीक है देखो अगर कोई पांच नंबर का क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या है मान लो आपको लेट्स सेज्यूम क्वेश्चन आ जाता हम एक ही क्वेश्चन से हमेशा उसका एग्जाम्पल लेंगे मान लो क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आपने आपको सबसे पहले ना डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग कर देना अच्छा पॉइंट्स की बात बताऊं ना तो सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट्स में ना लिखकर पैराग्राफ में लिखते हैं उनको लगता है कन्वीनियंट है पैराग्राफ में लिखना टीचर को लगेगा बड़ा लिखा हुआ है देखो बच्चे पहली बात तो ये है कि पॉइंट्स ही लिखने होते हैं आपको पैराग्राफ आप भूल जाओ आपने अगर पैराग्राफ कभी भी लिखे हैं तो भूल जाओ पैराग्राफ वाली कहानी अब खत्म हो गई बच्चे अब आपको पॉइंट्स में लिखना है अब आप बोलोगे सर पॉइंट्स में क्यों लिखना है हमको कन्वीनियंट है ना हम वही लिखेंगे नहीं बच्चे पेपर जब भी आपको करना है ना तो अपने हिसाब से नहीं करना कि जी मेरे लिए क्या अच्छा है आप ये देखो टीचर के लिए क्या ईजी रहेगा चेक करना ठीक है अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो ना टीचर के लिए बहुत ईजी रहेगा पॉइंट्स को चेक करना बहुत प्यार से और अगर इसमें अंडरलाइन कर दो तो वाह क्या ही बात है टीचर को लगेगा हाँ बच्चे को आता है पॉइंट्स में लिखा हुआ है साफ समझ आ रहा है टीचर चेक करते हुए निकल जाएगी और सीधा पांच नंबर ठीक है बट अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे अच्छा ये बात आपको पता है ना टीचर के पास की होती है पूरा का पूरा आंसर नहीं होता की होती है की में कुछ वर्ड लिखे होते हैं अगर वो वर्ड टीचर को आपके आंसर में मिल गए तो पूरे मार्क्स नहीं तो मार्क्स कटेंगे अब जब मान लो टीचर आपने पैराग्राफ में लिखा तो टीचर ढूंढते रह जाएगी और टीचर इतना ज़्यादा टाइम थोड़ा लगाएगी एक क्वेश्चन को पढ़ने में है ना तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा पॉइंट्स में लिखना है और पॉइंट्स में लिखने से पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर लिखनी है मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया तो दी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन बिलो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन जो होती है ना ठीक है या मान लो फीचर पूछा जाए तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज है ना तो ये uh, बिंदु डाल के नीचे यानी इंट्रोडक्शन लाइन जो है वो आपको जरूर लिखनी है ठीक है चलो ये समझ आ गया उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है और पॉइंट्स में क्या करा करो आपके हेडिंग बनाने की पूरी कोशिश करा करो यानी सब हेडिंग बनाने की पूरी पूरी कोशिश करा करो इसका क्या मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है तो उसमें क्या था कि कॉर्डिनेशन बनाता है तो आप लिखो कॉर्डिनेशन ठीक है अंडरलाइन करो फिर आगे पॉइंट्स करके स्टार्ट करना है आपको मान लो फिर सेकंड पॉइंट यह आता था कि सेट लिमिट ऑन दी गवर्नमेंट्स पावर तो सेट लिमिट ऑन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स पावर फिर पॉइंट डाला फिर लिखा तो सब हेडिंग बनाने की पूरी पूरी कोशिश करा करो क्योंकि सब हेडि हेडिंग है ना टीचर को ये कॉन्फिडेंस देती है कि बच्चे को आंसर आता है तो अगर यहाँ पर आपने आगे थोड़ा आ, 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 आप कह सकते हो कि जब आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे थे वहां पर अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो गई ना तो टीचर शायद इग्नोर कर दे क्योंकि आपने हेडिंग सही डाली हुई है तो टीचर को क्या पता पूरा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े ठीक है तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखना कि हेडिंग वगैरह बनाने की कोशिश करना और हेडिंग को अंडरलाइन ज़रूर करना है अंडरलाइन से बात मैं ये भी बता दूं कि आपको अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करना ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है पूरा पेपर जब मैं बच्चे को अंडरलाइन करने के लिए बोलता रहा हूँ पूरा पेपर अंडरलाइन कर देते हैं नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना एक आंसर के अंदर से हेडिंग के अलावा सिर्फ पांच छह वर्ड ही अंडरलाइन करना होता है पूरा पूरा अंडरलाइन नहीं करना होता ये भी बात याद रखना क्योंकि हेडिंग का मतलब होता है जो मेन जो आप टीचर को दिखाना चाहते हो कि जी ये वर्ड मेन है या आप देख लो शायद ये वाला क्वेश्चन ये वाला जो वर्ड है ये की के अंदर भी अंडरलाइन होगा या की में लिखा हुआ होगा अब जब आप पूरा ही पेपर अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर को क्या लगेगा तो टीचर को लगेगा ऐसे ही अंडरलाइन कर रखा मेन वर्ड है ही नहीं है तो इसलिए अंडरलाइन भी सोच समझ के करना है ठीक है चलो तो इंट्रोडक्टरी लाइन समझ आ गई हेडिंग समझ आ गई अंडरलाइन समझ आ गया अब नेक्स्ट चीज़ है जी एरो एरो बताने हैं, एरो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है एरो का क्या मतलब होता है देखो लेट्स अज्यूम आपको आता है क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बताओ कार्यपालिका के प्रकार बताओ तो क्या है कार्यपालिका के प्रकार संसदीय अर्ध अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल और क्या था हमारा सेमी प्रेसिडेंशियल ये तीनों के तीनों अब आपने एरो बना के लिखे हैं ठीक है आप चाहते थे उसको पैराग्राफ में या एक साथ ही तीनों के तीनों लिख सकते थे बट आपने यहाँ एरो बनाया इससे ना थोड़ा सा टीचर को देखने में अच्छा लगता है ठीक है मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आप अपनी प्रेजेंटेशन सुधार रहे हो जिससे अगर टीचर कहीं भी अगर टीचर को लगे ना कि यार ये साढ़े तीन ये चार नंबर का लिखा है इसने तो टीचर को लगेगा यार पाँच नंबर तो देने चाहिए प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छे करके लिखी है या साढ़े चार तो देने ही चाहिए खूफ सी बात है आपने अगर आंसर ही गलत लिखा है तो तो फिर कम मार्क्स ही मिलेंगे अगर थोड़ी बहुत भूल कर दिया आंसर में बट कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी एरो वगैरह बना के आपने लिखा हुआ होगा आंसर और टीचर चार देने वाली होगी ना तो पक्का साढ़े चार का जरूर सोचेगी तो इसलिए यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हो सके जिस भी आंसर में आपको लगे कि जी मैं एरो बना के समझा सकता हूँ वहाँ पर आप एरो बनाओ ठीक है मान लो आपसे क्वेश्चन आता है कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहाँ कहाँ से कितने कितने मेंबर थे तो ब्रिटिश इंडिया ठीक है 293 ठीक है और uh, 292 और उसके बाद प्रिंसली स्टेट एरो डाल के प्रिंसली स्टेट और फिर हमारे वो क्या कहते हैं उसको चीफ कमिश्नर एरिया चार थे और ये प्रिंसली स्टेट नाइन्टी टू कितने होगा टोटल में थ्री ऐसे एरो बना के समझ रहे हो तो ये भी थोड़ा विजुलाइज करने में अच्छा लगता है और कम से कम टीचर को एक तरह से ये बोलती मतलब टीचर को ये लगता है कि हाँ जी बच्चे ने मेहनत कर रखी है तो थोड़ा ज़्यादा नंबर देना बनता है ठीक है ये समझ आ गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी ओवर राइट है ना बिल्कुल भी नहीं करना गलती से भी ओवर राइट नहीं करना देखो पता होना चाहिए बच्चे को कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना तीन मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कितना लिखना है कुछ बच्चे बच, देखो कुछ बच्चों को ये लगता है कुछ बच्चे इलेवंथ में हैं और जब उन्होंने आर्ट्स ली थी तो उनको ये लगा था कि जी बहुत उनसे उनको बड़ों से एडवाइस यही मिली थी कि आर्ट्स में तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है है ना बट बच्चे ऐसा नहीं होता जितनी जरूरत है आप उतना ही लिख कर आओ आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ओवर करने की जरूरत नहीं है आप अगर तीन मार्क्स के क्वेश्चन में दो पेज भरकर आ रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता बच्चे क्योंकि देखो तीन नंबर चलो आप पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा लिखने का कोई फायदा नहीं है टीचर को लगता है पता नहीं क्या लिख दिया इतना एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं थी बट चलो तीन में से तीन नंबर भी मिल जाते हैं बट आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी क्या आपने सबसे प्रीशियस चीज़ जो आपके एग्जाम में होती है उसको खो दिया वो क्या है वो है जी टाइम तीन नंबर के क्वेश्चन में आपने उतना टाइम लगा दिया जितने कि एक पाँच नंबर वाले क्वेश्चन में लगाना चाहिए था जिसकी वजह से अब जब आप पाँच नंबर वाला क्वेश्चन करोगे एंड में तो कहीं ना कहीं आपका पाँच नंबर का क्वेश्चन आधा छूट सकता है टीचर पेपर छीन सकती है तो इसलिए कभी भी ओवर नहीं करना ठीक है जी ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ओवर करने की कोशिश मत करो क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा ठीक है जितना रेलिवेंट है उतना ही लिखो थोड़ा सा अगर लगता है कि यार हाँ एक दो पॉइंट बन सकते हैं तो लिखो ठीक है अगर मान लो जैसे पॉइंट्स की भी बता देता हूँ कुछ बच्चे कहते हैं सर कितने पॉइंट लिखने चाहिए मान लो आपको फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है क्वेश्चन नंबर पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है मान लो अब देखो फीचर तो बहुत सारे हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यू फीचर है बनाने वाला तो दस बार भी बना सकता है बट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम छः या सात लिखने हैं ऐसे तो मैं पांच बोलता बट कभी कभार क्या होता है कुछ पॉइंट्स में टीचर को दिक्कत लगती है या कभी गलती हो सकती है तो छः लिखो और ज्यादा से ज्यादा साथ लिखो इससे ज्यादा लिखना है ना आप समझ लो कि आप शीट भर रहे हो बट इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है इसमें भी वही वही है पांच नंबर का क्वेश्चन है फीचर पूछ रहे फीचर जो है आर गिवन बिलो उसके बाद सब हेडिंग बना के लिखते हुए चलना है ऐसे छह या सात पॉइंट लिखना है इससे ज्यादा नहीं ठीक है क्लियर हो गया ओवर राइट नहीं करना और पांच नंबर क्वेश्चन में इतने पॉइंट तीन नंबर के क्वेश्चन में चार पॉइंट ठीक है हाँ अगर कुछ किसी क्वेश्चन में ऑब्वियसली ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं तो वो तो लिखने ही लिखने हैं ठीक है जिसमें मैंडेटरी है कि हाँ जी ये वाले पॉइंट तो बनते ही बनते हैं बट जिसमें आपको थोड़े बनाकर लिखने होते हैं उसमें पाँच चे, चे या छः छः या सात पॉइंट लिखने होते हैं इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में लिखने की ठीक है चलो अब मैं बात कर लेता हूं एक मार्क्स के क्वेश्चन की और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊँगा प्रेजेंटेशन में वो क्या है देखो पहले तो एक मार्क्स के क्वेश्चन यानी एम में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एम करो तो आंसर नंबर वन लिखा आपने आपको पता चला कि यार ए है तो ए लिखकर आंसर नंबर टू पे आ बिल्कुल भी नहीं गलती है ये बहुत बड़ी ए लिखने के बाद जो आंसर है वो लिखना ठीक है मान लो आपसे पूछा जाए कि ये फर्टेनिटी इक्वालिटी हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से गौरव किया है आपको पता है कि ए में लिखा है फ्रांस तो फ्रांस भी लिखो आगे ठीक है जी फ्रांस भी लिखो फ्रेंच भी लिखो मतलब फ्रेंच क्या फ्रांस लिखो ठीक है तो ये इसके आगे क्योंकि है ना टीचर के लिए इ... मतलब इरिटेशन होती है कि यार ए में मेरे को क्या पता क्या लिखा है आगे बच्चे को लिखना चाहिए था ना तो टीचर फिर बार बार पलट के देखेगी जी क्या है ए ऑप्शन में बी ऑप्शन में ठीक है टीचर को ऐसा लगेगा कि आप उनका टेस्ट ले रहे हो ठीक है तो ऐसा नहीं करना टीचर के लिए कन्वीनियंस बना मतलब बहुत ही कन्वीनियंट इतना कि टीचर को ज़्यादा ज़्यादा से पांच मिनट भी ना लगे आपका पेपर चेक करने में बच्चे सोचोगे सर इतना मेहनत करके ढाई घंटे तीन घंटे का पेपर लिखते हैं और आप बोल रहे हो कि पांच मिनट में हां बिल्कुल जितना बड़ा आप पेपर करोगे और जितना कम टाइम में टीचर चेक करेगी वही एक सक्सेस से की है ठीक है ज्यादा मार्क्स लाने की चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जंबल नहीं करना जंबल यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम क्या करते हैं अब कुछ बच्चे मैं बोलूँ जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर वन करते हैं एम सी यू दिया फिर याद आता है छः नंबर का क्वेश्चन भी आता है पीछे का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री उठाया पाँच नंबर का कर दिया सही करा है करा सही है बट फिर ये उठाया उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फिर दोबारा एम वाले पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री पे एम सी करते हैं फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर आते हैं फिर एमसी क्यू अटैम्प्ट करते हैं बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है टीचर को इरिटेशन होती है कि बच्चा करना क्या जाता है पहला क्वेश्चन करा फिर ट्वेंटी थ्री करा फिर थ्री करा फिर ट्वेंटी टू करा इससे टीचर को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है इसलिए जंबल मत करो अब आप बोलोगे सर मान लो हमें आता ही सीक्वेंस में है तो अब देखो पहली बात तो यह है कि आपको सेक्शन ए में तो जंबल करने की कोई जरूरत ही नहीं है जिसमें एम सी क्यू आते हैं आप क्यों जंबल कर रहे हो बच्चे देखो आपको पता है कि जी एम सी क्यू है ठीक है आंसर लिखा हुआ है उसी एमसीक्यू में कि या तो ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा आपको पता है कि जी अगर मैं ए का आंसर मान लो फ्रांस है या एक लाइन भी है तो एक लाइन छोड़ के सीधा पहले तो लिख लो कि आंसर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सेवनटीन जो भी है वहां तक लिख लो जो आंसर आए लिख दो कम से कम सेक्शन ए में तो जंबल मत करो ठीक है सारे मार्क्स मार्क्से क्वेश्चन सारे तीन मार्क्से क्वेश्चन सारे एक एक मार्क्स से क्वेश्चन साथ में करने की कोशिश करो ये मैं ये कोई कंपलसरी नहीं है कुछ बच्चे होते जिनको मान लो तीन नंबर का कोई एक क्वेश्चन आता है और उनको लगता है कि जी यार अगले तीन नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता बना के लिखना पड़ेगा बट पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो आप दूसरे अटैम्प्ट कर सकते हो पाँच नंबर क्वेश्चन उसके साथ में बट मैं एक नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ उसमें तो जंबल बिल्कुल नहीं करना और तीन नंबर का भी अगर कोई तीन नंबर पाँच नंबर साथ में करने की कोशिश करना ये बात आप ध्यान रखना वो नहीं आता अगर आपको वो बात अलग है बट कोशिश अपनी पूरी रखना कि सेक्शन वाइज अटैम्प्ट करो ठीक है जी आई होप ये बात आपको पता चल गई हो और ये सारी की सारी चीज़ें करके आप खुद नोटिस करना बहुत ही प्यार से अपने दस पंद्रह मार्क्स बचा बचा सकते हो ठीक है और सेम पेपर अगर आप करके, करके आओगे अपनी प्रेजेंटेशन को बिना सुधारे तो आप मार्क्स कटते हुए देखोगे अपने ठीक है और थोड़ा ना स्पेलिंग पर भी ध्यान देखना देना क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास इलेवेंथ में आ गए हैं बट स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ग्रामर की नहीं होती क्योंकि ग्रामर तो उनको आती है बट कभी कभार जल्दीबाजी में स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है तो स्पेलिंग मिस्टेक जो है बहुत कम से कम करनी है क्योंकि गलत स्पेलिंग है ना टीचर को बहुत इरीटेट करती है ठीक है इससे जो है एक तरह से टीचर को कॉन्फिडेंस गिरता है बच्चे पे कि यार स्पेलिंग ही नहीं आती इसने इसको मतलब आंसर में मान लो आपने प्रेजिडेंशियल की स्पेलिंग गलत लिखी है टीचर को लगे प्रेजिडेंशियल की स्पेलिंग ही नहीं आती तो क्या एक्सप्लेन करा होगा इस बच्चे ने समझ लो तो जो मेजर वर्ड हैं जैसे प्रेजिडेंशल ठीक है पार्लियामेंट्री इन में तो गलती प्लीज़ आप मत करना बड़े बड़े वर्ड में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है ये मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ ठीक है आई होप ये बात आपको पता चल गई हो बाकी देखो अभी आपके एग्ज़ाम है क्लास इलेवंथ के ठीक है जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए सबसे पहले तो आपको ये चैनल उठाना है मेन पॉइंट टेक बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं क्योंकि फैमिली पे प्रेशर नहीं डालना चाहते हमें लगता है अब थोड़ा बहुत अर्न करने का टाइम आ गया है क्योंकि सैम्पल पेपर वगैरह के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं उनको यही चैनल रेफर करता हूँ मेन पॉइंट है आप देखोगे ना इस पर टोटल साठ वीडियो है और इस पर अठारह हज़ार सब्सक्राइबर है पता ऐसा है ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो आप जॉब तो नहीं कर सकते एलवंथ क्लास में बट आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो क्योंकि यही तरीका है जिस पे आप बिना कहीं जाए भी घर बैठे भी आप अर्न कर सकते हो कैसे आप एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो ठीक है मैंने अपनी चैनल की अर्निंग भी बता रखी है ठीक है साथ में आप दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो बहुत सारे लोग करते हैं आप देखते हो ना बहुत सारे लोग दूसरे की वीडियो कॉपी करते हैं और फिर भी अर्न करते हैं तो वो भी मैंने बता रखा है ठीक है आप नोट से कैसे अर्न कर सकते हो ओके okay, और आप वेबसाइट बना के नीचे आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी कि क्या आप वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हो दिख रहा होगा आपको फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बना के ठीक है एक सौ एक लाख सत्तर हज़ार व्यूज़ होने वाले हैं इस पर ठीक है इस पर एक लाख एटी एट थाउजेंड होने वाले हैं कि आप कैसे एनिमेशन वीडियो लैपटॉप से फोन से बना सकते हो और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है एक घंटे में मैंने जोमेटो से नौ हज़ार रुपये अन किए थे नौ हज़ार रुपये आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आप हर हर घंटे करते हो नहीं बट एक बार मैंने एक घंटे में जोमेटो से नौ हज़ार रुपये अन किए थे कैसे किए थे वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे ठीक है चलो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है मेरा मेन मोटिव बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज भी देना है ठीक है तो अब ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना बाकी अगर आप देखोगे तो हमारा एक ये व्लॉगिंग का भी चैनल है मैं इस पर ब्लॉग वगैरह अपलोड करते रहता हूँ ठीक है अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पता ही है नहीं कर रहा बट बाकी मैं अपलोड करता हूँ तो ये चैनल आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो वीडियो वगैरह देख सकते हो बाकी मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है ऑल द तो इस पर मैं वीडियो कम डालता हूँ क्योंकि वही सेम एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना होता है ठीक है बट इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो जैसे एग्जाम ख़त्म हो जाएंगे फिर बात करेंगे इस पर फ्री फायर की गेम वगैरह खेलते हैं हम इस पर ठीक है बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बाय बाय